यारे विद्यार्थियों, अब आपने समझ लिया कि इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं। अब हम आपको इसके इम्पोर्टेंस बताते हैं। क्यों हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, क्यों इसको समझा रहे हैं, इसका क्या महत्व है? जिस समय आप ये समझ लोगे कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, तो आप इसकी डिटेल में जाओगे। देखो, जो इंडिफरेंस कर्व है, सबसे बेस्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यह जानना, टू नाउ, द कंज्यूमर्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन कहां कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा। देखो, कंज्यूमर की जेब में लिमिटेड मनी होती है, पैसा उसके पास लिमिटेड होता है, तथा उस लिमिटेड पैसे में अगर वो दो चीजें इस्तेमाल करे तो उसका कौन सा कॉम्बिनेशन वो इस्तेमाल करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो इंडिफरेंस कर्व की इम्पोर्टेंस हमें है। तो कंज्यूमर तब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा, मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करेगा, जब हमारी बजट लाइन है, जो लाइन है वो टेंजेंट हो, टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व लाइन, इंडिफरेंस कर्व, जब हमारी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करे, स्पर्श करे, तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी। ये देखो, ये इंडिफरेंस कर्व है। ओके, और ये यहां से टच करी है, ये है बजट या प्राइस लाइन। तो इस पॉइंट पे जितनी क्वांटिटी कंज्यूम की जाएगी, इस ई पॉइंट पे मैंगोज की क्वांटिटी, मैंगोज की और एप्पल की, उस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब हम इस लाइन को समझते हैं, इस बजट लाइन को समझते हैं, ये क्या चीज है। ये तो इंडिफरेंस कर्व लाइन है, जैसे हमने पहले ही बताया कि इंडिफरेंस कर्व लाइन ये बताती है अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ वस्तुओं के, जिससे हमें इक्वल यूटिलिटी प्राप्त होती है, समान एफिशिएंसी या समान सेटिस्फेक्शन होती है, मैक्सिमम नहीं बात की है, पर जब ये इसको टच करेगा तथा ये डिफरेंस कर्व कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स नॉट कनकेव, तो या इस पॉइंट में मैक्सिमम कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब हम जानते हैं बजट लाइन है क्या। देखो, मान लो कि ये कंज्यूमर का बजट है, उसके जेब में है, जो मनी होती है उसको बजट कहते हैं। मान लो उसके पास 4 रुपये हैं तथा इससे वो दो चीजें खरीदना चाहता है, मैंगो और एप्पल। एक मैंगो की कीमत 50 पैसे है और एक एप्पल की कीमत 1 रुपया है, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी? अगर वो 8 मैंगो खरीद लेता है, 1 50 पैसे का है, तो उसके 4 रुपए लग जाते हैं, तो वह एप्पल नहीं खरीद सकेगा। यदि वो इसको त्याग देता है, 2 क्वांटिटी 6 ले लेता है, तो 3 रुपए इसके ऊपर खर्च हो गया, तो 1 क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसकी, तो भी उसके 4 रुपए लगेंगे। यदि वो यहां 2 क्वांटिटी कम कर देता है,
चार मैंगो आएंगे अगर 50 पैसे का एक का 2 रुपए के, तो एक क्वांटिटी यहाँ बढ़ा देता है, अगर दो और कम कर देता है तो यहाँ एक का लगेगा, यहाँ एक क्वांटिटी और इंक्रीज कर देता है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लेता तो 1 रुपए का एक एप्पल है तो 4 एप्पल खा सकता है। इस बेस पे एक लाइन बनेगी, ये है एप्पल, ये है मैंगो, 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 आठ और जीरो, पहला पॉइंट यहां चला गया, फिर 6 और 1 6 और 1 फिर 4 और 2 उसके बाद ये चला गया 2, ये 2 है और यहां है 3 और यहां 0 है और यहां है 4, तो ये एक तरह की लाइन बन गई। दिस इज बजट लाइन, और जब ये लाइन इस इंडिफरेंस कर्व को टच करेगी तो यहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा।